वजूद जन से तस्वीरें कायनात में रंग वो ना ही कमजोर ना ही वो किसी से कम उसके इरादे ऐसे जैसे चट्टान हो ना वो गिरे ना वो झुके तुम भी ये जान लो. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज सबा एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर एपिसोड ऑफ हुनर वानो. Since this year is ending, we want to end this year with an artistic way. Today we are at Ikra's Boulevard. Let's meet Ikra, who owns this place. Assalamu alaikum Ikra, kaisi hain? Waalaikumsalam, alhamdulillah, bilkul theek. Ikra, aapke baare mein bahut se log jante hain already, but still there are few who doesn't know you. To thoda sa apna introduction bataye, apna education background aur jo aap kaam karte hain uske baare mein. I'm a business graduate aur uske baad I went to NC, but during that mera art mein kuch zyada interest tha during the BBA. तो मैं उस दौरान बस अपना स्केचिंग काम स्टार्ट करी थी ड्राइंग का और वो किया एंड देन आई वेंट टू एनसी आफ्टर बीइंग डन विद द बीबीए और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अपना आर्ट स्टूडियो खोला व्हेन आई केम बैक फ्रॉम एनसी. इट वाज अ 6 मंथ्स कोर्स लेकिन उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अपना आर्ट स्टूडियो खोला एंड आई लॉन्च्ड इट और उसके बाद अब ये बस चल रहा है. अच्छा, एक बार देखिए पेशावर में मेरे ख्याल में पेशावर में यू आर द फर्स्ट फीमेल जिसका अपना आर्ट स्टूडियो है. How you got this idea कि यहाँ पे art studio की ज़रूरत है? Being female, how you have set it up और इसका response आपके पास कैसे आ रहा है? अच्छा, ये first I thought कि यहाँ पे कोई art studio है नहीं ऐसा जहाँ पे even मतलब both the genders can go and casually can work over there क्योंकि बिल्कुल जो हैं भी तो बहुत city side पे बहुत दूर है तो even for girls it's difficult to go there. और दूसरा ये कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं है कि जहाँ पे आप जाके अपना काम एग्जिबिट करो और वहाँ पे सीखो भी और सिखाने की भी कोई ज़्यादा जगह नहीं है. सो दैट इफ़ यू आर एन आर्टिस्ट एंड यू वांट टू गिव दैट टू अदर स्टूडेंट्स आउट देयर तो वो फिर आपके पास एक प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप लोग वो काम करने के लिए कहीं जा सको. तो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू हैव वन प्लेस एंड इन द मिडल ऑफ दिस एरिया सो दैट एवरीवन इज यू नो दे फाइंड इट रीचेबल. तो वो चीज भी की और फिर मैंने यहाँ पे ये भी एक प्लस पॉइंट था कि आई वाज द ओनर ऑफ इट तो वो फीमेल्स के लिए बहुत आसान था कि वो मतलब उनके पेरेंट्स के लिए भी आसान था कि वो उनको आराम से छोड़ सकते थे और आराम से वो आके सीख सकते थे. सो दे एक्चुअली रियली लाइक्ड इट और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था. यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाउ इज द रिस्पॉन्स. तो फीमेल आपके पास फीमेल पोर्शन ज्यादा आता है जो आर्टिस्ट हैं या मेल देयर से लुकिंग फॉर अ प्लेस उनको भी इसकी जरूरत है उसके बारे में बताएंगे? मोस्टली फीमेल ज्यादा आते हैं. इट्स लाइक 80% फीमेल्स एंड 20% मेल क्योंकि वही चीज है कि मतलब वो रिलैक्स होती हैं तो आराम से आ जाती हैं. तो और दूसरा ये कि फीमेल्स में इंटरेस्ट भी ज्यादा है इस काम का, मेल्स में थोड़ा कम है लेकिन फीमेल में ज्यादा इंटरेस्ट है. तो वो चीज मतलब फिर उस लिहाज से फिर फीमेल का रिस्पॉन्स ज्यादा अच्छा आ रहा होता है और मेल थोड़े से कम होते हैं. Having a studio, आपको एक आइडिया तो हो गया इसका थोड़ा सा मतलब do you feel कि हमारे इधर पेशावर रीजन में या के पी रीजन में आर्ट स्कूल्स की कमी है? Do we need more places like NCA और जैसे बाकी major cities में अच्छे institutes हैं? नहीं, बिल्कुल बहुत कमी है क्योंकि वही चीज़ है कि हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा institutes हैं ही नहीं के और इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा लोग इस तरफ जाने की से डरते हैं. दे वॉन्ट टू गो बट दे डोंट रियली एक्चुअली गो विद इट ना. तो वो अगर है भी तो हमें फिर पिंडी जाना पड़ेगा, हमें लाहौर जाना पड़ेगा. जिस तरह आई वेंट टू एनसी इन पिंडी तो यहाँ पे अगर होता है ऐसा प्लेटफॉर्म या ऐसे इंस्टीट्यूट तो फिर हम लोग वहाँ का इतना ज़्यादा ना कर रहे होते. तो यहाँ पे बहुत ज़रूरत है. दैट इज़ द रीज़न कि मैं यहाँ पे ये स्टूडियो खोला है सो दैट अदर प्रोवेंसेज अदर सिटीज कैन सी इट एज वेल तो वो यहाँ पे इन्वेस्ट करने का सोच सकें. तो दिस इज़ द लॉन्ग रन अप्रोच लिए. किसी ने अभी तक अप्रोच किया है इस हवाले से? हाँ, हम लोगों ने खुद अभी किया और इस तरह साइब्रेड कंपनी है दे एक्चुअली अप्रोच्ड अस. लेकिन वो वही है कि अब प्रोसेस को मैं ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम दूँ और ज़्यादा थोड़ा इसमें इन्वेस्ट करूँ तो फिर औरों का ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो फिर ऐसे होगा. सो नाइस टू नो इकरा, थोड़ा सा बताएं आपने यहाँ पे स्टूडियो सेटअप किया, इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू डू, तो आपको सपोर्ट सिस्टम और किस तरह आपको ये रिसीव हुआ इन सोसाइटी इन योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे? एक्चुअली यही मेन पॉइंट है कि सपोर्ट सिस्टम वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग. मेरे पेरेंट्स से लेकर मेरे फ्रेंड्स से लेकर सोसाइटी से लेकर हर चीज़ ने एक्चुअली बहुत अच्छा सपोर्ट किया क्योंकि आई स्टार्ट विद पेरेंट्स है, उन्होंने मुझसे ज़्यादा वो इस काम में मेरे लिए इंटरेस्टेड होते हैं, मुझसे ज़्यादा वो दे वांट मी टू गिव इंटरव्यूज, दे वांट मी टू डू दिस एवरीथिंग, तो वो मुझसे ज़्यादा उस चीज़ पे खुश होते हैं. तो दैट इज़ एक्चुअली वेरी यू नो मोटिवेटिंग होता है कि मैं कहती हूँ कि बस यहाँ अब सही है क्योंकि पेरेंट्स का जब तक ना हो तो यू कैन नॉट एक्चुअली गो अहेड विद एनीथिंग. तो उसके बाद सिर्फ पेरेंट्स नहीं थे, मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं
जो एक्चुअली दे आर मोर लाइक फैमिली जो मुझे पुश फैमिली की तरह करते हैं, क्योंकि एनसीए में भी ऐसे ही था कि वो मुझे शुरू में मसला हो रहा था तो दे एक्चुअली वर वेरी फ्यूरियस एट मी कि तुम इतना इंटरेस्टेड थी और तुम अब जाके इसको वो करी, तो वो मुझे सही गुस्से से पुश करते हैं कि जाओ. तो इसलिए पेरेंट्स से लेकर फ्रेंड्स से लेकर हर कोई बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है, और सोसाइटी का भी यही है कि दे आर एक्चुअली वेरी गुड विद इट. सो यू नीड टू टेक द फर्स्ट स्टेप. Exactly. सबसे बड़ी बात है कि पहला स्टेप लेना है, उसके बाद people start to recognize and acknowledge you. You need to actually go ahead with it. बताना है कि मैं ये कर सकती हूँ. You have to prove it to your family as well in the start. क्योंकि obviously वो आपको किस चीज़ पे support करेंगे जब आपका कोई काम ही नहीं है. तो वो दिखाओ कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ और ये मुझे आगे लेकर जाना है, तो फिर obviously दिल को. Being female इस चीज़ को नहीं रोकना कि मैं फीमेल हूँ या वो मेरी बेटी है या इस तरह कोई मसला बन जाएगा. That's not the reason. वो क्योंकि I saw it myself कि society even is very supportive in this. कि वो आपको एक्चुअली आके, अब मैंने जब लॉन्च किया तो मुझे जो रिस्पांस मिला तो दैट वाज एक्चुअली माइंड ब्लोइंग. मुझे नहीं था पता कि इतने ज़्यादा लोग आएंगे, बट दैट एक्चुअली वेंट रियली वेल. और वो ऑब्वियसली सोसाइटी का सपोर्ट था, तो अच्छा सारा काम हो जाता है. कोई लड़की या इसका लड़के का मसला नहीं होता. इकरा, थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग गिविंग अस डिटेल्स अबाउट योर स्टूडियो एंड योर एजुकेशन एंड एवरीथिंग. अभी थोड़ा सा हम फन पार्ट पे आते हैं, दैट्स रैपिड फायर राउंड. तो आई होप यू रेडी. Let's see. Let's see. Okay. I'm sciences or NCA, Rawalpindi? I'm sciences. I'm sciences. Okay. Painting, calligraphy or sketching? Calligraphy. Okay. What is the one childhood thing that like you keep forever, like you have it now? Oh. That you had in childhood and you still have it? I don't have anything. Okay. Aloo wali biryani without aloo wali biryani? Without aloo. Okay. Heels or flats? Heels. Coke or 7-Up? Coke. Dil ki sunti ho ya dimaag ki? Dil ki. Who's your art's inspiration? Eating everything that is around me. Kyunki wo, obviously I get inspired even from the sky as well. Nature. To wo hota nature wagaira se, everything around me. Yeah. That's great. Window seat or aisle seat? Window. What is that one thing you have in your purse at all times? Oh, that would be yeah, perfume. I don't know. Describe yourself in 3 words. Acha. Confused. Okay. A lot, yes. Or chill hoon lekin lagti nahi hu. Aur dusra, teesra, yes. I overthink a lot. One thing you always hear about yourself, people will give you compliment or something, like you always get to hear about you. In university, that was my twist, my hair twist. Lekin uske ilawa my art. My art, okay. Exhibition or workshops? Exhibitions. Thank you so much, Ikra. I hope you enjoyed the rapid fire round. Is platform se aap kya message dena chahti hain jo hume dekh rahi hain is waqt? I'd say ke, especially for females, I would say ki don't shy away from your work. Aap jo bhi kar rahe ho uske prove it to your family, prove it that you can do it and you can go ahead with it, then this platform is here for you. Aur utilize it, aur aap isme actually they actually think ki isme aage future hai ya nahi, ya they actually have these issues ki matlab ho sakega ya nahi, main kar sakti hu ya nahi. Just go ahead with it, try yourself out, aur future hai if you actually give a hard work to it. Kyunki obviously jis cheez ko bhi aap hard work doge to wo aage zarur jayegi, phir chahe wo jo bhi kaam ho aapka. तो उसको आप विद हार्ड वर्क एंड विद नो शाइंग अवे आप उसको आगे लेकर जा सकते हो. थैंक यू सो मच इकरा फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर हुनर बानो सीरीज. थैंक यू फॉर हैविंग मी. इफ यू नो एनीवन हु कैन बी पार्ट ऑफ आवर हुनर बानो सीरीज, यू कैन लीव अ कमेंट फॉर अस और मैसेज अस ऑन आवर फेसबुक. एंड दिस इज द लास्ट एपिसोड फॉर दिस ईयर. हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू.